स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। सो दोस्तों आज हमारी न्यू वीडियो है और ये पहले वीडियो भी फर्स्ट वीडियो है न्यू चैनल में। सो दोस्तों देखो हमारे पास एक वाटर पंप है और यार पहले ठीक से साफ करना चाहिए था। खैर दोस्तों छोड़ो बॉडी। हाँ भाई तो जो बोल रहा था, तो जब भी मैं इसको चलाने जाता था हो सकता कभी कभी भाई बॉडी हो जाता था और मेरे को बहुत शौक लगता था। और फिर मेरे को आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इसको रिमोट से चलाएं, मतलब दूर से रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा शॉक लगने का, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए भाई हमने एक आइडिया लगाया। तो पहले मेरे को आइडिया यह था कि मैं एक माइक्रो कंट्रोलर लगाऊंगा और मोबाइल से कंट्रोल करूँगा, लेकिन भाई उसमें बहुत खर्चा आ जाती है और मैं कुछ सस्ता करना चाहता था। तो भाई मेरे पास एक ऐसा ट्रांसमीटर है, मैं ड्रोन बनाने का शौक था मेरे को एक टाइम पे, तो मैं खरीदा था, पड़ा हुआ था घर में। तो मेरे को ये अभी करना है कि मैं सोच रहा था बहुत दिन से कि क्या हम इस रिमोट से इसको चला सकते हैं, जितना सस्ते से सस्ते हो सके एक सिस्टम बनाते हैं जिसके मदद से हम क्या करेंगे, सस्ते भी हो और काम का भी हो, ठीक है ना। और इस ये जो रिमोट है ना भाई, इसकी जो ये जो ट्रांसमीटर है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 700 से 800 मीटर तक इसका रेंज हो जाता है ओपन फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, तो हमने एक सिस्टम बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक सिस्टम है, ये मैंने बनाया है, देखो पूरा होममेड है, एकदम पूरी तरह से होममेड है भाई, ठीक है ना। तो ये दो एसी पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको एक को इस करंट पे लगाएंगे और एक को इस पंप के साथ जोड़ देंगे और इस रिमोट से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ टेस्ट करने के बाद, फिर मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊंगा कि क्या है। वीडियो को भाई पूरा देखो और आपको आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक दिमाग लगा के निकला हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों करते हैं। दोस्तों ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, तो इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाई गई कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। थैंक यू दोस्तों। सो दोस्तों हमारे जो सिस्टम है अभी पूरी तरह से मैंने पूरा सेट कर दिया यहाँ पे। ये हमारी ट्रांसमीटर है और ये मेरी रिसीवर है। तो वीडियो आपको फेक ना लगे इसीलिए हम पूरी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे भाई घर से एसी लाए हैं और ये एसी यहाँ पे जाता है, कुछ होता है यहाँ पे और यहाँ पे जाके हमारे जो ये जो है देखो यहाँ पे सब कुछ सेटअप किया हुआ है। अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये देखो जब भी इसको ऑन करेंगे ये चलेगा और ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो वहाँ पे कोई नहीं है, पूरी तरह से एकदम सिंपल आ रही है, कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम सिंपल मैंने बनाया है। देखो पानी आ रही है। तो दोस्तों आई होप ये देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये जो ट्रांसमीटर है इसकी रेंज 700 मीटर है, मतलब 700 मीटर दूर से हम इसको ऑन कर सकते हैं, हम इसको ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी देखो भाई अभी एक चीज़ हमने नहीं किया, ठीक है ना, पहले बंद कर देते हैं। तो भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अभी तक वीडियो आधा हो गया भाई, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया। भाई न्यू चैनल है, फर्स्ट वीडियो है, इतना कुछ कर दिया भाई, अभी तो ड्रोन उड़ा नीचे पंप चला दिया भाई। सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट करो आपको कैसा लगा, कमेंट करो मेरे को और भाई लाइक तो करो, लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक करोगे ठीक है, एक बार और मारते हैं, अभी लाइक कर दो यार, अभी लाइक कर दो, ठीक है ना। और तो दोस्तों ये बनाने का देखो क्या होता है, कभी कभी ये पे ना जो बॉडी हो जाता है एसी पे शॉक लग जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो मैंने ये कर दिया, अभी भाई कोई खतरा लगने का चांस ही नहीं है, दूर से बैठेंगे छांव में बैठेंगे और चलाएंगे। क्या दोस्तों अभी आपको जानना है ना उसके अंदर क्या है, वो जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरी सिस्टम आपको दिखाऊंगा, कुछ भी फेक नहीं है। और भाई भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं अभी जा रहा हूँ टेबल पे, आप सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों ये हमारी टेबल है और ये हम है और ये हमारी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरी सिस्टम है ये कैसे ऑपरेट होती है और ऑपरेशन क्या है मेनली इसकी। तो भाई सबसे पहले इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा, तो चलो दोस्तों इस बॉक्स को खोलते हैं। सिंपल सा सिस्टम दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्विच दे देते हैं और चला देते हैं इसको। ओके दोस्तों तो ये जो नॉब है, जब भी आप इसको नॉब को ऐसे
ऐसे बंद कर, तो जब भी नब को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो ये चालू हो गया। तो अभी देखो कैसे काम करता है, ये इस तरह से काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है हम ऐसे, तो ये मेरे दोस्तों एसी का आउटपुट है और ये बोर्ड से जा रही है इनपुट इधर से, ठीक है ना। और माज जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे, अभी करंट है हाथ नहीं देंगे, तो बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे ऐसे स्विच करा हुआ है, ठीक है ना। तो तार को बेसिकली हमने अलग कर दिया है और जब भी हम इसको करते ऐसे होता है ना तो ये लग जाती है और स्विच की तरह काम होती है, ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। और ये हमारे यहाँ पे हमारे रिसीवर है और इसके अंदर हमारे ESC है, इसके अंदर हम हमारे ESC है और ये हमारी बैटरी है। ओके दोस्तों, ये तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों, आई होप कि मेरी ये जो पूरी सिस्टम है आपको वो अच्छा लगा है और मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छा लगा है। तो भाई आई होप कि आपने अभी एक सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो भाई चैनल के नीचे है एक लाल वाला बटन, दबा दो और भाई कमेंट मारो इसके, इससे बाद हम आप इस सिस्टम के ऊपर क्या देखना चाहते हैं कमेंट मारो, और इस सिस्टम के ऊपर आपकी क्या राय है वो हमको दो, ठीक है ना। आपकी जो क्या ओपिनियन है वो मुझे मेरे को दो और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अपने आप को और ज़्यादा मैं सुधारूँ और अपने टेक्नोलॉजी को और ज़रा एडवांस बनाऊँ। भाई देखो एक लाइक तो आपने कर ही दिया है, मेरे को पता है भाई भाई हो आप, और सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप अपने दोस्तों के बीच, इंजीनियर दोस्तों के बीच शेयर करना चाहते हो और अपने कर सकते हो भाई, तो अब ये मेरी पहली वीडियो है तो पता नहीं भाई कैसी बनी है, तो आप अपने राय दो, ठीक है ना। और अभी भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।